विकास भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। गोरखपुरिया भौजी आपको टॉर्चर कर रही है, किसी को भी इंजाम लगा रही है, जो मैं मर जाऊंगी तो यू यूट्यूबर है, चंदा दीदी है, रूपतरा ब्लॉक है, सब पे इंजाम लगाए जा रही है वो अभी, तो आपकी क्या राय है थोड़ा बता दीजिए हमको। और आपने पिछले वीडियो में बोला था जैसे ये हमारा वीडियो देखेगी ना तो उनका वीडियो बन जाएगा, और उनका वीडियो जो बनेगा ना तो पूरा। भाई आप लोग ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल में मत पड़िएगा, इनका मगरमच्छ कांसू मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कह दिया है, इंटरव्यू में भी कहा था ये इसने। विकास भाई, आप जो कह रहे हो ना इसका मगरमच्छ का आंसू है, आप लोग नहीं जाएगा तो हम लोग तो नहीं जाएंगे, पर हमारे आंखों के सामने जो इनका वीडियो आ रहा है ना तो हम देखिए रहे हैं। और आप लोग गौर कीजिएगा, इनका जो कोई इमोशनल सॉन्ग आता है, चाहे वो गाना गाती है ना, तो उसमें आंसू आता है, देख सकते हो। भला कोई गाना में, रील्स वीडियो में आंसू किस तरीके से लाता है? आंख में डाल के आंसू गिरा लेना ही सही है तो। डरप डाल के लाता है, और रूपतरा ने पहले ही बोल दिया था जो देखना वो आंखों में डरप डाल के आंसू लेके आती है। और देख सकते हो इस वाले वीडियो में जिसमें वो ब्लैकमेल कर रही है, मर जाऊंगी मैं, ये कर दूंगी, उसमें कितना इनका आंसू बह रहा है, बाल्टी के बाल्टी बह रहा है, और घर वाले को तरस नहीं आ रहा है जो वीडियो शूट करे जा रहा है। ये नहीं हो रहा जो बीवी का आंसू जाके पोंछ दूं। सही बात है। गोरखपुरिया भौजी, मैं आपके लिए एक बात रखना चाहूंगी। आप इतने बड़े लेवल पे हो, इतनी अच्छी सबकी भौजी हो, तो आपको ये तुच्छ हरकत सी और ये सब जो आप करती हो ना, ये आपको बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। आप देख, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, देख सकती हो आपसे भी जो बड़े सेलिब्रिटी है ना उनको कितना टॉर्चर किया जा रहा है, कितने बातें बोलते हैं वो लोग, तो कभी सोशल मीडिया पर नहीं आके बोलते हैं मैं मर जाऊंगी ना तो इसका जिम्मेदार ये फैंस लोग हैं, मेरे मौत के पीछे इनको सजा होनी चाहिए, इनको जेल हो डालना चाहिए। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। और साथ में पुलिस को भी कह रही है, जो पुलिस मेरा ये वीडियो देख रही है, चल पुलिस तो तेरा वो वीडियो देख लेगी, और उसी दिन तेरे घर पे आ गई और देखेगी मारे गोरखपुरिया भौजी तो रील्स वीडियो शूट कर रही है, नाच रही है, ये तो मरने की धमकी भी दे दिया था, फिर मरी क्यों नहीं तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समझ सकते हो ना इसका मतलब, जो आप सभी को दिलों से खेला जा रहा है, तो कृपया करके ना इनकी मगरमच्छ वाली आंसू पे जाना मत गलती से भी। क्या बात है दीदी, इनका ना पिछला वीडियो उठा के देखना, ये सब जो है ना गोरखपुर के जो ब्लॉगर है, जो अश्लील हरकतें करते हैं, उन सभी कहते हैं पिछले वीडियो भी जाके आप देख लेना इनकी, हाय मैं मर जाऊंगी, हाय मैं मर जाऊंगी, हाय 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 हाय, कुछ इस तरीके का हो रहा है, नौटंकी करके ही तो व्यूज ला रहे हैं ये सब, और फिर कह रहे हैं हम तो नौटंकी करते ही नहीं है। हाँ छोटी बिल्कुल सही कह रही है, ये सब यही डिजर्व करते हैं और पब्लिक के दिल से खेलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इन लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो आपके पास फैन है, आदमी है, सब चीज है, भाइयों बहनों इतने सारे सब्सक्राइबर, सब चीज है आपके पास, तो ये जो गंदगी सूगला पाना बेकार सा वीडियो भाइयाद सा लेके आ जाती हो, रोने का ड्रामा अलग तुम्हारा, ये सब मत किया करो। फैंस लोग है तो उनको अच्छी अच्छी चीज दिखाइए, पैसा खर्च कीजिए वीडियो भी बनाने पे, ताकि पब्लिक को और से ज्यादा आप सभी को प्यार मिले। हम तो कह रहे हैं दुनिया का नंबर वन ब्लॉगर का किताब गोरखपुरिया भौजी आपके हाथ जाए, पर आप ये सब गिरी हुई हरकतें मत कीजिए, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा आप पे। पर किताब में ना वो देने की जरूरत है जिसमें असली शब्द का लिखा हुआ है, और गोरखपुरिया भौजी आके कैमरा के सामने रिपीट करेंगी, ठीक है, अपनी खुद की डांस रखेंगी अश्लील गाना पे, और ये सब करती नजर आएंगी, कुछ अच्छा कर लीजिए। पूरा कहा हमको, सरेआम धमकी दिया, धमकी दिया, और ये बात सही है, मेरा पति को चाहे मेरा फैमिली कुछ भी हो, आपको गाली दे देना, शराब पी के, गाजा पी के, भांग पी के, कौन चीज का नशा किया था हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो नशा किए, नशा। गोरखपुरिया भौजी जो कह रही है विकास भाई, जो उन्होंने दारू पी के आपको गाली दिया है माँ की, तो मैं कहना चाहूंगी कितना भी दारू पी ले आदमी, पर ना वो जो है इज्जत जो उसके नजर में होता है ना, वो इस तरीके से तार तार नहीं करता, समझ गए हो ना। और कितने लोग कह रहे हैं माँ की गाली तो मुंह पे रहता, तो मैं उन सबसे कहना चाहूंगी वो बिल्कुल ही बेशरम आदमी है जिसके मुंह पे माँ की गाली हमेशा होता है। और कोई भी आदमी इतना पी लेगा ना तो इतना बावली नहीं हो जाएगा जो किसी को भी गाली दे देगा, दूसरे किसी को हजार बार सोचेगा, अपने घर में तो कर लेगा फिर भी। तो मैं यही कहना चाहूंगी विकास भाई, आप भी दारू पीजिए और जाइए गोरखपुरिया भौजी के घर पे, और महादेव को खींच के लाइए, और वो तो चप्पल मारी नहीं है, तो दारू पी के वो शुभ काम आप कर लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात ये हो जाएगी मीडिया में जो, हाँ भाई विकास भाई ने दारू पी रखी थी, छोटा मोटा झगड़ा हो गया है, चप्पल मार दिया, बस केस सॉल्व, दोनों में बराबरी हो जाएगा।
सही पकड़े हैं। ध्यान मत पेलो, सही कह रही हूँ। दारू पी के अगर किया है तो ये भी दारू पी के करेंगे तो तभी बात बराबर होगा। गोरखपुरिया भौजी एक बात और कहना चाहूंगी, जितना जो आप रायता फैलाई हो ना वो आप समेट सकती हो। रूपतरा के घर पे जाइए और नहीं रूपतरा के पति से माफी मांग सकती हो तो आप उनकी माँ से माफी मांग लीजिए, जो मेरे पति से गलती हो गया माफ कर दीजिए, आगे से इस तरीके से नहीं होगा। और उनके माँ के पास अगर आपको शर्म हो रहा है जाने के लिए तो वीडियो बनाइए और वीडियो बना के खास रूपतरा की सास के लिए बना दीजिए। पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं, यही चाहते हैं हम लोग, ठीक है। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय जरूर देना है और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन तक पहुंच जाए और उनका दिमाग में थोड़ा बात घुस जाए, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए बाय।